परिवार के नई बहू से आपको मिलाया है नहीं, सीधे आज बर्तन धोते हुए ताऊ जी ने काफी लंबे मूछ रखे, यहाँ देख लो। ये हमारे दूसरे नंबर के ताऊ जी, पहले क्योंकि ताऊ जी बिल्कुल क्लीन सेव है और गोरिल्ला है ताऊ जी। वेट करते करते बाहर धूप भी लग गई है, अभी मस्त सी दिन के 2 बज चुके हैं, भी नहीं धो रखा इसने। कौन है इसके अंदर है? इसके बोर्ड परीक्षा शुरू होगी, एक पेपर हो गया है मैक्सिमम, और इसके 2 पेपर हो गए, अभी इसके पेपर चेक होंगे और इसको। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह के करीबन 8:30 हो रहे हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है आज मार्केट जाने की, बहुत दिनों से मार्केट भी नहीं गए थे और थोड़ा बहुत काम भी है तो उसको भी करके आ जाते हैं। सुबह सुबह आज धूप भी नहीं लगी है, आज मौसम फिर से ख़राब हो गया। नारायण जी के दर्शन कर लो, जय हो नारायण जी। और आजकल पहाड़ों में मौसम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, कल को धूप लगी थी और आज फिर से मौसम ख़राब हो गया है, क्या पता शाम तक बर्फ़ पड़ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं मार्केट की ओर। आना है बाइक से तो बाइक में ठंडा भी लगने वाला है, तो चलो जल्दी में घर आना है तो इसी वजह से बाइक ले जा रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं और अभी मैं आ गया हूँ तपोवन। इससे पहले जोशीमठ मार्केट गए थे लेकिन ब्लॉग नहीं कर पाए, और अभी मैं हूँ गोलू के कमरे पे और यहाँ से बाहर का नज़ारा देख लो कुछ ऐसा। सुबह मौसम हल्का हल्का ख़राब हुआ था, वैसे ही अभी भी दिखाई दे रहा है। इसको मैंने बोला था कब से खाना बनाने के लिए, लेकिन इसने अभी तक नहीं बनाया, जब मैं यहाँ पहुँच गया अब कर रहा शुरू। बोर्ड परीक्षा शुरू होगी, एक पेपर हो गया है मैक्सिमम, और इसके 2 पेपर हो गए, अभी इसके पेपर चेक होंगे और इसको पूछेंगे आज। क्योंकि ना हमारे टाइम पे भी जब हम पेपर देते थे, हमसे बड़े कोई भी मिलते थे वो जरूर पूछते थे क्यों, अब इसकी क्लास ली जाएगी आज, कितना पढ़ा इसने और कैसे गया पेपर। ये रहे पेपर, एक इंग्लिश और एक हिंदी, और पहले के मुताबिक अब ऐसे में आ रहे पेपर। पहले तो नॉर्मली एक उस पर आता था, अब 5-6 पन्नों का आ रहा, पहले ऑप्शनल शायद ना। वेट करते करते बाहर धूप भी लग गई है, अभी मस्त सी दिन के 2 बज चुके हैं, हमारा खाना भी बन गया है और खाना खाते हैं। ये भाई तो पता नहीं अभी क्या कर रहा, सुबह से मुंह भी नहीं धो रखा इसने। कौन है इसके अंदर है? पहला चल खाना फटाफट, इसके बाद मुझे भी घर जाना है क्योंकि आज हमारा जो काम लगाया हुआ था आज लास्ट है, वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। हो गया है बाकी, अब यहाँ से निकलते हैं और मुझे जाना है सीधे घर, बाकी गुलू का पेपर है तो पेपर देकर ही आएगा ये वापस सीधे। ये व्यू पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ से पूरे ओली की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, तो यहाँ से चारों ओर की लोकेशन काफ़ी शानदार दिखाई देता है। और यहाँ से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सड़क पर गाड़ी चल सकती है। सुबह के टाइम यहाँ पे पूरे बर्फ़ थी लेकिन अभी आते आते पिघल गई क्योंकि आज मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ है। इस जो सुबह बर्फ़ दिखाई दे रहा था वो अभी तक पिघलता नहीं, लेकिन आज मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ है इस वजह से वो पूरा पिघल गया है, तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पर रुका हुआ हूँ क्योंकि गाँव की गाड़ी भी अभी पीछे आ रही है। पापा जी गाँव की गाड़ी में थोड़ा सामान ले कर आ रहे हैं, यानी जो उस मकान पे एक पाइप लगना था साइड से तो वो कम पड़ गया था, इस वजह से पापा जी तपोवन आए थे दोबारा। ये भी गांव की गाड़ी भी आ गई, बाकी सामान इसमें है, जो कैलाश उतार दे जरा वो पाइप ले जा। चले जी, ये 2 पाइप कम पड़ गए थे तो इनको ले आना है क्योंकि 3 के नीचे से जो धाराएं बहती है ना, तो इसके लिए चाहिए पाइप, वरना वो पूरा चौक में आ रहा था, तो इसलिए एक साइड हो जाएगा ये पूरा। यहाँ ऊपर अभी छत में काम लगा हुआ है, यानी ऊपर टॉप जा रहा लास्ट, केवल लास्ट टॉप का काम बचा हुआ, बाकी सारा हो गया। यहाँ देख लो, मार्केट से आते हैं ना ये ऐसे देखने आ जाता है, क्या चाहिए क्या चाहिए पहले बता। ये मार्केट से जब भी आते हैं ना इसको कुछ ना कुछ लाना पड़ता है इनको। जा काम तो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन
थोड़ा बहुत जो पाइप वाला काम बचा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी मैं जा रहा हूँ अभी सीढ़ी लेने, तो वो बिना सीढ़ी के होगा नहीं क्योंकि थोड़ा हाइट पे है, इस वजह से सीढ़ी चाहिए। ये वाली सीढ़ी ले जानी है मैंने उधर, यानी इससे आसानी से उनको मतलब वो पाइप लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, फाइनली आज 6 दिन के बाद ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि केवल इसको बनने में 6 दिन लग गए। और अब इसका अंदर का काम है लगभग, पहले तो कल शीशे वाले का काम है, ऊपर से दूसरा वो बनना है गैलरी में, तो उसके बाद इसके अंदर का काम होगा। परिवार की नई बहू से आपको मिलाया नहीं, सीधे आज बर्तन धोते हुए यहाँ देख लो, शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। पति देव यहाँ पे बैठ रखे आग पे और पत्नी वहाँ काम कर रहे, कुछ तो करो यार हैं। यहाँ देख लो, एक आग सेक रहा है, दूसरी वहाँ बर्तन मांज रही, पिलचौड़ा हो रहा है ये। कल परसों में ये जाने वाले घूमने, कहाँ कहाँ जा रहे घूमने? नहीं जाएंगे इस बार हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अरे सामने सामने कैसे बोल रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे हैं, शादी हो गई बल क्या घूमने। शादी से पहले होता है ना वो, अच्छा हैं इस बार नहीं, अब देखते हैं क्या क्या होता है। कीड़ा जड़ी के पास सीधे पहले दोनों कीड़ा जड़ी खूब कमाएंगे, उसके बाद नहीं देखते, उसके बाद कांगड़ टूर है देखते हैं है? देखते हैं। ताऊ जी ने काफी लंबे मूछ रखे, यहाँ देख लो, ये हमारे दूसरे नंबर के ताऊ जी, पहले नंबर के कैलाश के पापा, दूसरे नंबर के ताऊ जी हैं। और मूछ की सेफ्टी नहीं है ना, अगर सेफ्टी से रहेंगे बहुत बुढ़े हो गए ना, ये यहाँ देख लो पूरे फूल गए नंबर के ताऊ जी ये रहे, जबकि दूसरे नंबर के ये वाले हैं, और पहले नंबर से दूसरे वाले क्या लग रहे, बुढ़े लग रहे ना ज्यादा? कमेंट करके बताना दोनों में यंग कौन है, हैं? I am young man. हाँ यहाँ देख लो ताऊ जी अभी बहुत स्मार्ट है। अभी शाम के टाइम देवेंद्र भाई भी आए, ये तो अपने घर के चौक से बाहर कभी नहीं आते नहीं ताऊ जी, केवल आज आ रहे हैं, आज वो भी जब मैंने बुलाया तब आए यहाँ पे आग सेकने। कैलाश ने देखा कभी हैं? देव भाई को देखा तूने अपने चौक से बाहर है गला? नहीं देखा ना, पेंसिल ले दे। थोड़ी देर साइकिल भी चला लिया, और बहुत टाइम से साइकिल भी नहीं चलाया था, तो घुटनों में दर्द हो रहा, सीधे करीबन 5-10 मिनट चलाया तो सीधे घुटनों पे दर्द कर रहा। फिलहाल इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उस पर आवाज़ आ रही चैन की, उसकी कोई पेच ढीले होगी ना उस वजह से। तो तू चला रहा है?